विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिरोद्भूतम् यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमिदम् श्रीदक्षिणामूर्ते पूर्णानन्ददया दृशाविशदया सरस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनोमोदाय निखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पत्तया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित्कणां यच्छतु एक बात पर ध्यान देना मांगते उसमें वैश्वानर और तैजस दोनों को सप्तांग कहा वैश्वानर जागृत अवस्था सप्तांग माने आप ये जो हस्त पादादि युक्त जो शरीर है ये हस्त पादादि अंग से जो युक्त है उसको वैश्वानर नहीं जो सप्तांग है उसको वैश्वानर सप्तांग क्या है तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य और चंद्रमा द्युलोक सूर्य और द्यु ये सात जिसके अंग हैं उसका नाम है वैश्वानर देहाभिमानी का नाम वैश्वानर नहीं है मूल उपनिषद में तो वैश्वानर शब्द ही है कारिका में विश्व शब्द का प्रयोग है परंतु ये जो जागृत अवस्था है इसमें जो जीव चैतन्य है उसका नाम वैश्वानर वैश्वानर माने हैं ये विश्व भी है और नर भी है विश्व नर विश्वस्य नर विश्व नर विश्व नर वैश्वान एक जीव बात का यही बीज है बीज इसी तो जागृत अवस्था माने इस शरीर में नींद आना और उसका टूट जाना इसका नाम जागृत अवस्था है ये तो व्यस्त्याभास की जागृत अवस्था हमारी जो जागृत अवस्था है उसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य और द्युलोक ये सात हमारे पृथ्वी मेरा शरीर है जल मेरा शरीर है तेज मेरा शरीर है वायु मेरा शरीर है आकाश मेरा शरीर है सूर्य मेरा शरीर है द्युलोक हमारा शरीर है द्वितीय स्कंध में वैश्वानर जाति विहार हाँ तो वो तो देहाभिमानी ध्यान करते करते वैश्वानर को प्राप्त ये जो मांडुक्य उपनिषद का वैश्वानर है ये तो बिल्कुल ही विलक्षण है इस बात को लेकर जब मैं अहमदाबाद के संन्यास आश्रम में था
सीधन भगवान गिरिजा सत्र हाँ उन्हें बहुत दिन तक इस बात पाठ पढ़ाते थे अद्भुत ये बात यही देखो छोड़ दो शरीर को जहां का कहा ये जैसे स्वप्नावस्था में जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य होता है वो हमारी स्वप्नावस्था का विलास है उसी प्रकार ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि जो जागृत अवस्था में ये हमारी जागृत अवस्था के विलास हैं। और सब क्या है और सब जीवाभास है जैसे स्वप्न में एक सेठ जी हैं सेठ जी त्रिवेणी स्नान करके आ रहे हैं सेठ जी बड़े धर्मात्मा पूर्व पुरुषों का पुण्य है और पूर्व जन्म में कुछ सुकृत हुआ होगा तब आपका दर्शन मिला है ऐसे सेठ जी बोलते अब वो जो स्वप्न वाले सेठ जी उनके कोई पूर्व पुरुष हैं क्या जो 50-100 वर्ष पहले पैदा हुए तो सेठ जी हमारी स्वप्नावस्था के स्फुरण अच्छा उनके पूर्व पुरुष जो 150 वर्ष पहले हुए थे वो कुछ थे उनका पूर्व जन्म कुछ था क्या वो तो हमारी स्वप्नावस्था में हमारे ही स्वप्नावस्था के स्फुरण के रूप में वो मनुष्याभास जीवाभास और उनके पूर्व जन्म अगला जन्म तो आपको बहुत बढ़िया मिलेगा सेठ जी और मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे और फिर अगला जन्म बहुत अच्छा सेठ जी सेठ का संचित कर्म सेठ का पूर्व जन्म का कर्तृत्व सेठ जी का प्रारब्ध सेठ जी का उत्तर जन्म सेठ जी का नरक स्वर्ग आदि की प्राप्ति वो सब हमारी स्वप्नावस्था का उत्थान है इसी प्रकार ये जागृत अवस्था जो है जागृत अवस्था में जो कुछ है वो बिल्कुल स्वच्छंद स्वतंत्र उल्लास है अन्यथा गृहत स्वप्नो निद्रा तत्व अजानत विपर्यासे तयो क्षीण तुरीय पदवस्म सप्तांग कहने का ये जो अभिप्राय है यही दृष्टि सृष्टिवाद का भी मूल यही है और एक जीववाद का भी मूल सप्तांग अहम पृथिव्या आत्मा अपाम आत्मा देवताम आत्मा ये सब इनका सबका आत्मा मैं और ये हैं मेरे अंग ये अपने आप पांच लेने से किस तक ध्यान लगाते हैं इसको तो कोई लिखाता है वो आचार्यवान पुरुष हो गए जो आचार्यवान पुरुष है वो इसको जानता है न
नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेय यणुरेश धर्म। ये आत्मा, धर्म शब्द का आत्मा है, ये भी महाराज अपने आत्मनिखने से मान अणुरेश धर्म, एष धर्म आत्मा। अणु सूक्ष्म आदि सूक्ष्म है। अवरेण नरेण प्रोक्त एष न सुविज्ञेय। कोई छोटा मोटा आदमी जब इसका उपदेश करेगा तो इसका विज्ञान नहीं हो सकता। आचार्यास्थैव विदिता विद्या तादृशं प्राप्त। जब आचार्य से ये विद्या प्राप्त होती है तब ठीक ठीक प्राप्त होती है। ये बाजयामास भारतम से काम नहीं चलेगा। बांच गए उनको महाभारत बांच गए ऐसे नहीं मानते। सप्ताह अन्यथा ग्रहण का स्वप्न निद्रा तत्व अजानता। अज्ञान ही निद्रा है, अग्रहण ही निद्रा है और अन्यथा ग्रहण स्वप्न है। ये शरीर में जो नींद और सपना होता है वो नहीं, वेदांत में सुषुप्ति और स्वप्न पारिभाषिक। अग्रहण और अन्यथा ग्रहण। अग्रहण माने सुषुप्ति, अज्ञान निद्रा में ये सब जीव जो ये सोए। वो स्वामी जी ने कहा मोह निशा सब सुवनी आरा देख सपन अनेक प्रकारा यही जग जामिन जागन योगी परमार्थी प्रपंच। जानिए सब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। ये देखो अग्रहण क्या होता है, जैसे नेत्र के द्वारा आकाश का अग्रहण होता है क्योंकि आकाश रूपी द्रव्य नहीं है, रूप वाला द्रव्य नहीं है, तो नेत्र से उसका ग्रहण नहीं होता। तो उस अग्रहण का फल क्या होता है, अन्यथा ग्रहण माने हम उसको नीला नीलिमा ग्रहण करते हैं। तो आकाश का अग्रहण अज्ञान सुषुप्ति है और नीलिमा का ग्रहण ये स्वप्न है। अब जो वस्तु ग्रहण के योग्य नहीं होती उसको जब ग्रहण करने का प्रयास करते हैं तो ग्रहण करने के प्रयास से गृहित तो होती नहीं अन्यथा गृहित हो जाती है। जैसे कोई आत्मा को दृश्य बनाना चाहे तो आत्मा दृश्य तो बनेगा नहीं, एक कल्पित दृश्य सामने उपस्थित हो जाएगा। तो जो लोग प्रत्यक्ष चैतन्य को ग्रहण का विषय बनाना चाहते हैं उनके द्वारा उसका ग्रहण को बता लें। और देखो ग्रहण जो है ये आत्मा स्वप्रकाश है और सबका प्रकाशक है, इसलिए प्रकाशित करना तो उसका हुआ स्वरूप, परंतु प्रकाशित न होना भी उसका स्वरूप है। सर्वावसादक होने पर भी वो इतर प्रकाश निरपेक्ष ही है, किसी से प्रकाशित नहीं होता। स्वेतर प्रकाश निरपेक्ष है। अपरोक्ष होकर के भी अवेद्य, अवेद्यत्व सति अपरोक्ष, अवेद्य होकर के भी अपरोक्ष है, अपरोक्ष होकर के भी अवेद्य है। तो जब उसी अवेद्य को वेद्य बनाना चाहते हैं तब वो अन्यथा गृहित होता है और अपने को प्रपंच रूप में ग्रहण करता है। तो ये समग्र प्रपंच ही स्वप्न है। त्रय अवस्था त्रय अस्य स्वप्ना श्रुति कहती है, ये तीन अवस्थ है, ये तीन स्वप्न।
एक शब्द का अर्थ दूसरा है और अद्वितीय शब्द का अर्थ दूसरा है। एक मेवाद्वितीया नहीं तो जुगपत, एक ही श्रुति एकमेव और अद्वितीय ऐसे नहीं बोलते। एक एक दो हो गए, एक बटे दो हो गए, एक का आधा भी होता है, एक का दुगुना भी होता है, तिगुना भी होता है, चौगुना भी होता है। ये श्रीमद् भागवत में जहां ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा 11वें स्कंध में जो सब में अनुगत है वो ज्ञान है और जिसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं वो विज्ञान है। भागवत के 11वें स्कंध में ज्ञान विज्ञान की परिभाषा दी हुई है। जो एक है और सर्व में अनुगत है वो ज्ञान है, आत्मा है, दृष्टा है, और जिसमें जिसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, जिसमें अन्वय और व्यतिरेक का कोई प्रश्न नहीं है, अव्यावृत्ता अनुगतम वार्तिक का बोलना है और सुरेश्वराचार्य का वार्तिक बोलता है, वो न व्यावृत्त है न अनुगत है, क्योंकि कोई दूसरा होए तो उससे होगा व्यावृत्त और कोई दूसरा होए तो उसमें होगा अनुगत, इसलिए अव्यावृत्ता अनुगतम वो अव्यावृत्त है। और माने अन्वय व्यतिरेक भी वेदांत की एक प्रक्रिया है, अन्वय व्यतिरेक परमार्थ नहीं है। रह गया अद्वितीय, अब एक से विलक्षण है, देखो अद्वितीय अद्वितीय, दो अद्वितीय नहीं होता, जोड़ नहीं है अद्वितीय, अद्वितीय बांट के अद्वितीय बटे दो करना है, अद्वितीय अद्वितीय बांटता है, एक तो बट भी जाता है और जुड़ भी जाता है, उसमें तो गुणन भी है और विभाजन भी है, व्यवकलन भी है, परंतु अद्वितीय जो है उसमें न योग है न विभाजन है, न संकलन है न व्यवकलन है, न गुणा है न भाग है, कुछ अद्वितीय। ये जो आत्म तत्व है ये अद्वितीय अद्वितीय, अज्ञान से ही द्वितीय मालूम पड़ता है। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे, एक द्वितीय है। इसकी श्रुति में इसका जो वर्णन है वो अद्भुत है। देखो क्या अपूर्व अनपर अनंतरम अबाधित तदेत ब्रह्म सर्वानुभू तदेत ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू इत्यनुशासनम श्रुति को अपूर्वम अनपरम, काल नहीं है, अपूर्वम माने इसके पहले कुछ नहीं और अनपरम माने इसके बाद कुछ नहीं, माने पहले और बाद जो है ये काल है, तो काल तत्व से असंस्पृष्ट है, अखंड है। काल तो उपाधि से ज्ञात होता है, सूर्य चंद्रादि की गति से दिन और रात, रात और दिन और रात, अद्वितीय वस्तु में सूर्य चंद्रादि की गति नहीं है, पाद विन्यास नहीं है, क्रम नहीं, सदा पश्यन्ति सूर्य, विष्णु तत् परम है, परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिदीव चक्षुरादतम, ये आदत चक्षु है, ये परिच्छिन्न सूर्य नहीं है, ये आदत चक्षु है। चष्टे अने ये चक्षुष है, चक्षुष अपूर्वम अनपरम, इसमें न पहले है न सृष्टि है न प्रलय,
जिसमें न बीज है न अंकुर है, न यहाँ रहना है न वहां जाना है। देखो अपूर्व मरतरम अनंतरम अबाह्यम देश, इसमें अंतर नहीं है, अंतर माने अंतर देश और बाह्यम माने बाह्य देश, बिल्कुल देश नाम की वस्तु नहीं है। मनपरम अपूर्वम अनपरम से काल का निषेध है, अपूर्वम कारण रहित, अनपरम कार्य रहित, पहले होता है कारण पीछे होता है कार्य, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्य, अंतर बाह्य का भेद इसमें सब आज्याभ्यंतरो यजा, श्रुति ने कहा सब आज्याभ्यंतरो यजा, बाह्य और आभ्यंतर सब अज है। अज भी कहते हैं जन्म के निषेध के लिए, अज कल्पित संवृत्या परमार्थे नाप किया जा। अरे गौरपाद दादा, हमारा धर्म ग्रंथ है मांडव के कार्य का, हमारा धर्म ग्रंथ है। मार्ग भी श्री रामानुजाचार्य की आगम प्रकरण के श्रुति ही मानते हैं, ये अन्यथा ग्रहण का स्वप्न आगम प्रकरण का ही श्लोक निद्रा तत्व बजाना था। वैष्णव लोगों ने श्रुति रूप से स्वीकार किया है आगम प्रकरण को, कारिका रूप से स्वीकार किया है, बारह मंत्र मांडू के और कारिका जो है वो गौरपाद दादा की कृति है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है जो लोगों के ध्यान में नहीं आती कि विरोधियों की युक्ति दृष्टांत से ही विरोधियों का खंडन, जिस युक्ति दृष्टांत से बहुत लोग शून्य सिद्ध करते हैं उसी युक्ति दृष्टांत से कारिकाकार ब्रह्म सिद्ध करते हैं। जैसे लोक व्यवहार में बोलते हैं ना मियां का जूता, वैसे बौद्धों की ही युक्ति से बौद्धों का ही खंडन। अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, काल और देश तो बिल्कुल नहीं है, तदेतद् ब्रह्म, वही जो अपूर्व अनपर अनंतर अबाह्य जो वस्तु है तदेतद्, तदेतद् ब्रह्म, वही साक्षात परोक्ष ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, सर्वांगू जो कुछ सर्वत्र में प्रतीत हो रहा है, वृक्ष का भी अनुभव वही है, लता का भी अनुभव वही है, लताकार परिणत जो वस्तु दिख रही है उसका आत्मा अनुभवति इति अनुकूप, जो सबके पीछे हो, सर्वाधिष्ठान हो, सर्व प्रकाशक हो, जिस प्रकाश का कोई प्रकाशक नहीं, जिस अधिष्ठान का कोई अधिष्ठान नहीं, जो निरुत्तर, कश्मीरी से उसको निरुत्तर बोलते हैं, जैसे हम लोग निरतिशय बोलते हैं वैसे वो उसको निरुत्तर बोलते हैं, इससे ऊपर और कुछ नहीं, इसके बाद और कुछ नहीं, ये निरुत्तर सत्य है। ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वानुभू, सर्वानुभू का अर्थ है, देखो भू धातु सत्तार्थक है, तो जो सबसे पीछे हो उसको अनुभव है, लेकिन उपसर्ग के बल से सत्तार्थक भू धातु का अर्थ ज्ञान हो जाता है, तब उसको अनुभव बोलते हैं, अनुभव माने ज्ञान। अनुभव नाम अनुभव, ये अनुभव है, अनुभव है माने ज्ञान स्वरूप है, और भागवत में ज्ञान का स्वरूप बहुत विचित्र बताया, वो तो है तो सब एक ही श्रुति सारम,
ये श्रुति सार है। सर्व वेदांत सारं जत ब्रह्मात्मय तत्व लक्षण, ब्रह्मात्मय तत्व लक्षण वस्तु द्वितीय तन्निष्ठम कैवल्येक प्रयोजन। बोल दे कोई दूसरे पंथ वाला, सर्व वेदांत सारं जत क्या है? अद्वितीय वस्तु, अद्वितीय वस्तु, वो अद्वितीय वस्तु कोई सगुण हो है ना, सविशेष हो, साकार हो, कहीं रहती हो, अद्वितीय हो, तो बोले नहीं नहीं, ब्रह्मात्मिकत्व लक्षण, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ही उसका लक्षण है। तन्निष्ठाम भागवतम कैवल्य का प्रयोजन और काट देगा। साधु प्रिय, सालोक्य, सानिप्य, सारूप्य आदि इसका प्रयोजन, एकमात्र कैवल्य अद्वितीयता ही इसका प्रयोजन है। तो ज्ञान का स्वरूप भागवत ने बताया, बदंति तत्तत्व विदा तत्व जज ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दीयते। तत्वेद तत्तत्व बदंती, तत्ववेदता लोग उसको तत्व कहते हैं। किं तत्व? यत अद्वयम ज्ञानम, वो अद्वय ज्ञान है, ज्ञातृ ज्ञेय विभाग रहितम ज्ञानम, उसमें अहम रूप ज्ञाता और इदम रूप ज्ञेय, अहम इदम के विभाग से शून्य जो ज्ञान है, ज्ञप्ति मात्र, वही उसका स्वरूप। उसमें सर्व का ज्ञाता सर्वज्ञ नहीं, अल्प का ज्ञाता अल्पज्ञ नहीं, उसमें सर्व और अल्प नहीं, सर्व और अल्प नहीं, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ नहीं, वो ज्ञप्ति मात्र। बदंति तत्विद तत्व जज ज्ञान अद्वयम, अद्वयम ज्ञात्र ज्ञेय विभाग रहता ब्रह्म शब्द है। परंतु शब्द व्यवहार होता है, शब्द व्यवहार कैसे होता है? क्वचित ब्रह्मेति, क्वचित परमात्मेति, क्वचित भगवान। अब देखो ये भगवान की परिभाषा हो गई, जत ब्रह्म यत परमात्मा तदेव भगवान। जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, यत ब्रह्म इति शब्द थे, जत परमात्मा इति शब्द थे, तदेव भगवान इति शब्द। जिसका नाम ब्रह्म है, जिसका नाम परमात्मा है, उसी का नाम भगवान है। हम भगवान किसी दूसरी वस्तु को नहीं कहते, उसी वस्तु को भगवान कहते हैं। यही है महाभाग्य, देवता महाभाग्या देवता, यहाँ इस देवता का महाभाग्य क्या है कि वो ब्रह्म है। यदि ब्रह्मातिरिक्त है तो वो देवता देवता ही नहीं है, वो भगवान भगवान ही नहीं है। यदि वो ब्रह्मातिरिक्त है, सत्ता लाभ नहीं कर सकते। सर्वानुभू महानुभूति सकलानुभूति, भागवत में प्रयोग है महानुभूति सकलानुभूति, वो सबका अनुभव वही है। अनुभव का विश्लेषण करोगे घटपट आदि प्रत्यक्ष से, स्वर्ग आदि परोक्ष, अंतकरण की वृत्ति और उनकी शांति, ये दोनों अपरोक्ष, स्वप्न निद्रा, स्वप्न सुषुप्ति अपरोक्ष ही होते हैं, कामक क्रोध आदि भी अपरोक्ष ही होते हैं, इनकी परोक्ष सत्ता नहीं। तो घटपट आदि प्रत्यक्ष हैं, स्वर्ग आदि परोक्ष हैं, स्वप्न निद्रा आदि अपरोक्ष हैं, और अपने आत्मदेव जो हैं वो न प्रत्यक्ष हैं, न परोक्ष हैं, न कामक क्रोधादिवत अपरोक्ष हैं, शांति विक्षेपादिवत अपरोक्ष नहीं है। तब वो क्या है? साक्षात अपरोक्ष हैं, और ये आत्मदेव जो हैं ये साक्षात विनैव वृत्तिम विनैव करणम विनैव साधनम, साक्षात अपरोक्ष ही है। इसी से निषेध के द्वारा इनका बोध कराने की प्रक्रिया है। अह्रस्वम अदीर्घम अनन मार्ग
रस अशब्दम स्पर्शम अरूपम अरसम अगंधवच्चज शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है। लो इंद्रियां क्या करेंगे, किसका प्रत्यक्ष करेंगे, अशब्दम स्पर्शम अरूपम अरसम अगंधवच्चज, ये उसका स्वरूप। बोले कि नान्त प्रज्ञाम न बहि प्रज्ञाम नो वैत प्रज्ञाम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम नान्त प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम नो वैत प्रज्ञम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम। लो ये ने 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 ये सर्व निषेधावधि अशेष विशेष निषेधावधि अशेष विशेष निषेधावशेष अशेष विशेष का निषेध कर देने पर जो अवशेष है और वो अपने प्रत्येगात्मा से पृथक नहीं हो सकता। तदेत ब्रह्म इसका नाम ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू सबका अनुभव वही है। हमारी जो श्रुति है ये जिस वस्तु का प्रतिपादन करते हैं वो कोई मतांतर से प्रतिपादन है, कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान कोई द्वैत बोध वाक्य ये तो केवल अपना स्वरूप। यदि ब्रह्म हमसे तो बोलते हैं यदि क्यों लगाते, यदि अपने से आत्मा से ब्रह्म भिन्न है तो यदि प्रत्यक्ष है तब तो दृश्य जड़ अपने से भिन्न हो करके यदि दृश्य है प्रत्यक्ष है अपरोक्ष है तो जड़, और यदि परोक्ष है तो कल्पित कल्पना मात्र, और यदि ब्रह्म प्रत्यगात्म नहीं है अपना स्वरूप नहीं है तो वो अद्वितीय नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो भास हो ही नहीं सकता। नहीं कश्चित प्रतियात ना हम अस्मिति, किसी को ये प्रत्यय नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं, इसलिए आत्मा का बाध तो हो ही नहीं सकता। तो यदि ब्रह्म अन्य है तो एक अबाधित आत्मा और एक ब्रह्म, तो अद्वितीयता की स्थिति नहीं होगी। तो ब्रह्म से पृथक होकर आत्मा परिच्छिन्न कट गया पेट माम बिना निस्वरूपस्त्व त्वाम बिना निस्वरूपो माम बिना त्वम कथम स्थिता, तुम्हारे बिना ब्रह्म के बिना तो मेरा कोई स्वरूप नहीं है और मेरे बिना ब्रह्म रहेगा कहां टिकेगा कहां। तो नारायण इसलिए इति कृत्वा महादेव योषि सोषि नमोस्तुते। अच्छा जी अब आज इतना ही।